विगत दिवस छिंदवाड़ा जिले की हर्रई तहसील के शासकीय कॉलेज की वेबसाइट हैक कर ली गई थी, जिससे छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया और बताया गया कि लगभग 500 छात्रों का डाटा गायब हो चुका है, जिसकी शिकायत स्थानीय स्तर पर की गई। लेकिन स्थिति क्लियर हो जाने और जिस नंबर से धोखाधड़ी की गई थी वह नंबर किसका है यह पता लग जाने के बाद भी संबंधित हैकर पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके लिए हरई तहसील के छात्रों ने छिंदवाड़ा पहुंचकर छात्र नेता रेशमा खान के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर समस्या के समाधान की मांग की और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। हरई कॉलेज में 600 स्टूडेंट के साथ जो गलत हुआ है उनका OTP वगैरह लॉक कर दिया गया था। एक ही नंबर से OTP शो कर रहा था, उनका नंबर भी पता चल गया कि किस व्यक्ति का नंबर है। नंबर आ गया तो उसके बाद अभी तक प्रशासन ने उसकी जांच नहीं की है। हम चाहते हैं कि उसकी प्रशासन और कलेक्टर महोदय से यह मांग करने आए कि उसकी जल्द से जल्द जाँच की जाए और जिसने भी 600 बच्चों के साथ ये गलत काम किया उसके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि एडमिशन तो सभी छात्र छात्राओं का हो रहा है। माननीय नकुल ने एक ज्ञापन दिए थे, एक आवेदन दिए, उसके माध्यम से सभी छात्रों का एडमिशन हो रहा है, लेकिन हम एडमिशन से अकेले संतुष्ट नहीं है। हमारा यही मानना है कि आने वाले समय में किसी छात्र छात्राओं के साथ कोई भी संचालक हो या कोई भी हो गलत ना करे। इसके लिए आज हम लोग यह कदम उठा रहे हैं कि उसके ऊपर सिर्फ कार्रवाई हो और कुछ नहीं। और हम लोग अभी कलेक्टर सर को ज्ञापन दिए, फिर SP सर को, आयुक्त महोदय को, हम सांसद महोदय के नाम भी ज्ञापन पहुँचाएंगे। हम सभी विधायक जितने भी, हमारी बस एक ही मांग रहे कि सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आपका नाम? मेरा नाम रेशमा खान है, मैं जिला छात्र महासचिव। हमारे यहाँ साथ ही हरदई के कुछ भाई लोग भी आए जिनके साथ गलत हुआ, आप उनसे भी बात। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।